क्या हाल है भाइयों के, वेलकम बैक टू चैनल ऑपरेटिंग वेल। वैसे सीधा सीधा सा स्ट्रेच है, बाइक तेज चला सकते हैं, बट ये जो कुत्ता है ये मेरे को डरा रहा है, तो रिस्क नहीं लूंगा, बट अब ले सकता हूँ। ओ भाई साहब, खतरनाक ही जंप बजा ये। अभी स्लो हो जाते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि तेज चल रहा हूँ जब मैं, तो आपको मेरी ऑडियो आ रही होगी। वो क्या बोलते हैं इसको, मोंगूज, इसने रोड क्रॉस करा अभी, तो इट्स अ सेइंग कि जब जो बिल्ली होती है वो रोड क्रॉस करती है तो बुरा होता है, और जब मोंगूज करता है तो अच्छा होता है। तो अच्छा, तो वैसे मैं घर से सोच के आया हूँ गाइज, दैट वी आर गोइंग टू गिफ्ट समथिंग टू आर बाइक, जिससे पूरा का पूरा जो लुक है वो इन्हेंस होने वाला है, सुंदर लगने वाली है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाली है। तो गाइज, मेरा कैरेक्टर ऐसे है कि मेरे को पसंद नहीं आती है चीज़ें, अगर मेरी चीज़ें जो हैं वो परफेक्ट नहीं है, थोड़ी सी इम्प्रॉपर है, गंदी है, तो आई डोंट लाइक दैट स्टफ। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो चीज़ें हैं वो एकदम परफेक्ट रहें। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इस साइड भी और इस साइड भी, ये जो कलर है इसका वो फेड हो चुका है, मतलब जो आयरन वाला कलर होता है ना, सिल्वर वाला, वो बिल्कुल दिखने लग पड़ा है, और ब्लैक पूरा का पूरा गायब हो चुका है। तो ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, गंदी सी लग रही है बाइक। तो मेरे माइंड में एक आइडिया है, तो बस उसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आई एम हेडिंग टूवर्ड्स हेलमेट गैलरी। तो जाते हैं, देखते हैं, अगर मिलता है वो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मेरे को मंगवाना पड़ेगा। सो लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज लगवाना तो वो है, चाहे जो मर्जी हो जाए, बट टू बी ऑनेस्ट गाइस, वो चीज़ लगने के बाद ना, मतलब पूरा का पूरा लुक, मतलब इतना ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, मतलब ह्यूज लगेगी बाइक उससे। इवन मैंने खुद ने किसी और की बाइक पर देखा है वो, और इतना ज़्यादा, मतलब इतना बढ़िया लुक देता है पूरा का पूरा, मतलब फील आ जाती है भाई, मतलब प्यार सा हो गया मेरे को उस एसेसरी से। तो मैंने तो बस सोच लिया कि उसको इंस्टॉल करवाऊंगा, चाहे आपको बहाना ही लगे कि बहाना ही है, तो कुछ भी हो सकता है, काम निकाल सकते हो ऐसे वैसे, बट नहीं, मेरे को उस पर आ गया तो आ गया, बस दैट्स इट, दिल आ गया, वो चीज़ लगवानी है भाई। बाहर की बस लग रही थी मेरे को, जिस हिसाब से ये साइड नहीं दे रहे ना, मेरे को टीज कर रहा है, ये बाहर का ही बंदा हो सकता है, हिमाचल वाला नहीं होता ऐसा। ओ भाई साहब, अब ज़्यादा सस्पेंस क्या रखना है गाइस, शॉप आने वाली है, सो लेट्स रिवील द एसेसरी। तो जो एसेसरी मैं इंस्टॉल करवाने जा रहा हूँ अभी, वो है लिवर गार्ड्स। तो लुक के साथ साथ वो मेरे को एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर देंगे, ज़्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत तो मिल ही जाएगी सिक्योरिटी मेरे लिवर्स को। लाइक कभी भी कोई एक्सीडेंटल फॉल होता है, या फिर जो मर्जी होता है, बाइक गिर जाती है, तो लिवर्स टेढ़े होने का खतरा होता है, तो वो प्रिवेंट हो सकता है उससे। सो इट्स गोइंग टू बी अ वर्दी एसेसरी। मार्केट एरिया आ रहा है, आराम से हो जा, इसको पता नहीं क्या होता है ये, मतलब हवा में आ जाती है एकदम से, आराम से चला कर, कोई सीन नहीं है। आई जस्ट होप यार क्राउड ना हो, और किस्मत देखो भाई, हेलमेट गैलरी भी खुली और क्राउड भी नहीं है, काम जल्दी हो जाएगा। तो गाइस, ये चार ऑप्शंस हैं मेरे पास, बट मैं कन्फ्यूज्ड हूँ इन दोनों में, गोल्डन में और सिल्वर में। तो अभी मेरा फाइनल डिसीजन है नहीं किसी को लेके, बट जल्दी से डिसाइड करूँगा मैं, फ़िलहाल कन्फ्यूज्ड हूँ। बाकी तुम देख सकते हो ये ऑप्शंस हैं फ़िलहाल, और बाकी भी मंगवा सकते हो आप, है ना, मंगवा देंगे, बाकी कॉन्टैक्ट कर लेना आप। मैं तो कन्फ्यूज इन दोनों में, ब्लू मेरे को पसंद आ रहा है, बट गोल्डन भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बाकी अगर ये गोल्डन वाला मैं लगाता हूँ गाइस, इसके साथ एक पेयरिंग मेरे को ये दिखी थी पीछे, ये ग्रिप्स बढ़िया लग रही थी मेरे को। बाकी अभी सोचता हूँ मैं, कुछ डिसाइडेड नहीं है कि क्या लगवाऊँगा क्या नहीं लगवाऊँगा, अभी तो सिर्फ देख रहा हूँ एसेसरीज़ को। बाकी प्यारी तो ये भी है, मतलब मैचिंग हो जा रही दोनों की इनकी। क्या बोल रहे थे आप, मेरे को अभी फिर से बोले, ये वाले खोलने पड़ेंगे ना साइड के, अच्छा नहीं लगेगा, मतलब ये कोई चांस नहीं इसका कि इसको इंस्टॉल करूँगा। रखो फिर साइड में, बस देखने के लिए भाई, दूर से देखो इसको। बाकी गाइस, मेरे लीवर्स की हालत भी कुछ खास अच्छी है नहीं, तो अभी देखते देखते मेरे को ये भी दिखे थे लीवर्स, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है। लाइक इस पर कुछ नंबरिंग जैसी भी है, जैसे KTM में होती है एडजस्टेबल वाले में, तो मे भी एडजस्टेबल वाले लीवर्स हैं। आई एम नॉट दैट श्योर कि अभी मैं इनको इंस्टॉल करूँगा कि नहीं करूँगा, रेड कलर में तो वैसे ही नहीं इंस्टॉल करूँगा, अगर गोल्डन मिलेंगे तो मैं सोच सकता हूँ, तो
देखते इनका भी, बाकी बढ़िया तो ये भी है, इसमें गोल्डन कलर, गोल्डन मिल जाएगा अभी आपके पास। क्वालिटी तो बढ़िया, हाँ सोचते रहो मैं लूँ। जैसे के टी एम के नहीं थे 390 वाले, वैसे होंगे एडजस्टेबल है ना। ये वर्जन 2 के, हाँ साइज में देखो भाई वर्जन 3 लंबे हैं इसके, बढ़िया बढ़िया। गोल्डन मिलेगा ना तो इसके साथ मैचिंग हो जाएगी, विराट तो थोड़ा ऐसी है। भाई अलॉय यही है कि और किसके लिए चाहिए? पाँच सौ सीसी क्लासिक सिंगल डिस्क में, डबल डिस्क में सिंगल। ओ भाई प्रीमियम ग्रिप सामने जो लगे हैं। तो गाइस अभी तुम इमेजिन कर सकते हो कि अगर ये वाली ग्रिप मैं लगाऊंगा तो कैसी लगेगी, पर अगर वो मैं सिल्वर लगा रहा हूँ, वो गोल्डन लगा रहा हूँ, ये सिल्वर है, थोड़ी मैचिंग में डिफरेंस है, देखते हैं क्या करूँगा। बाकी तुम लिवर्स क्या देखो पूरे के पूरे ख़राब हो चुके हैं, तो लिवर्स भी नए लगवाने हैं, देखते हैं क्या क्या काम है भाई, बड़ा काम है। अगर मेरा मन इसका करता है साथ में मैं इसको लगवा लूँगा, नहीं तो फिर गोल्डन के साथ गोल्डन अच्छा लगेगा। तो अभी लिवर्स भी मंगवाए मैंने गोल्डन वाले, ये वर्जन 2 वाले हैं, छोटे हैं साइज में, ये वर्जन 3 वाले सेम है बस साइज बड़ा। तो गाइस गोल्डन ग्रिप्स थी नहीं अपने पास, तो सिल्वर वाले को निकाल के गोल्डन पेंट करेंगे और उसके साथ मैचिंग करवाएंगे, सेम कलर होगा ना इसकी जैसा, फिर बढ़िया। तो बस बढ़िया लुक आने वाली है गाइस, ये 4 छल्ले। तो गाइस ये जुगाड़ हो रहा है, पहले सिल्वर को करेंगे वाइट और फिर कर देंगे गोल्डन। तो गाइस लीवर्स अनफॉर्चुनेटली गोल्डन वाले नहीं हैं, बट रेड में लगाऊंगा नहीं, वेट कर लूँगा गोल्डन वालों का ही। बाकी तुम देख सकते हो जब लग जाएंगे तो भाई ऐसे लगने वाले हैं कुछ, भाई फुल रेसिंग वाली फील देंगे। तो लगवाऊंगा नो डाउट, बट टाइम लगेगा थोड़ा सा। बाकी अभी इसका काम करवा लेते हैं, ये ग्रिप जो नहीं लगवा रहा हूँ मैं गोल्डन कलर वाली, और साथ में क्लच के जो वो है प्रोटेक्टर्स, तो उसको लगने के बाद जो लुक आने वाली वो भी बड़ी खतरनाक होने वाली, भाई तुम देखते रहो उस वीडियो को, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। भाई काटना पड़ेगा यहाँ पे, स्क्रिप्ट पर लगाना पड़ेगा, जोर से बोल रहे ना थोड़ा, क्या बोल रहे हो? काटना पड़ेगा ना ये चीज़ें, फिर जाएगी इसके अंदर ये। मैंने सोचा था पुराना वाला घर पे लेके जाऊंगा, पर वो तो किसी काम का नहीं होगा, ठीक है कोई नहीं, कर दो काटम काटी शुरू फिर। ओ भाई इतने खतरनाक तरीके से, दर्द हो रहा देख के। ओ इसके अंदर ये होता है, वाह नहीं निकल जाएगी ग्रिप डायरेक्ट, नहीं नहीं चिपकी हुई है। ओ भाई अच्छा ऐसा होता है हैंडल, बस खतरनाक ही, कैसे डेकोरेट किया होता है खतरनाक ही तरीके से। This was unplanned guys, सोचा नहीं था मैं ग्रिप भी चेंज करूँगा, सो चेंजिंग माई ग्रिप आफ्टर 43,000 किलोमीटर्स, खतरनाक यार ऐसी होती है ग्रिप। तो गाइस एक सीन हो चुका है, आई एम नॉट लाइकिंग दिस कलर दैट मच, लाइक बड़ा ही घटिया लग रहा है, तो बैक टू बेसिक क्रोम करवा रहा हूँ इसको मैं वापस से। तो क्रोम एज कम्पेयर टू दिस वन ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ज़्यादा बड़ी है, तो क्रोम ही बढ़िया लग रहा है गाइस। गोल्डन वाला प्लान ड्रॉप करेंगे, काफ़ी छपरी लग रहा है यार। इवन क्रोम्स आर नॉट लुकिंग दैट बैड गाइस, लाइक बढ़िया लग रहा है यार, बढ़िया लुक प्रोवाइड कर रहा है, इतना बुरा भी नहीं जितना मैंने सोचा था, बट गोल्डन तो बड़ा ही ज़्यादा छपरी लग रहा था। तो ग्रिप्स लग चुकी हैं, अब बस वो लीवर प्रोटेक्टर्स लगेंगे और फिर हम बाइक का लुक देखते कैसा आएगा। बाकी फ़िलहाल तो बढ़िया यार, पहले से तो बढ़िया। तो गाइस ऐसे कुछ ये लगने वाले, आई एम नॉट दैट श्योर कि अच्छे लगने वाले कि नहीं लगने वाले, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं, ख़ास करके ये गोल्डन कलर।
सो लेट्स ट्राई द सिल्वर वन, द क्रोम वन, उसको लगा के देखते हैं। बाकी पता नहीं क्या हुआ यार, मेरे को लगा था अच्छे लगेंगे ये, बट नहीं अच्छा लग रहा यार बिल्कुल भी। सो द सिल्वर वन इज़ गोइंग टू लुक लाइक दिस। कौन सा बढ़िया लग रहा है वो गोल्डन के सिल्वर? अगर मैच करें तो इसके साथ मैच ये हो रहा है, और वैसे क्या करे हो गोल्डन कर दिखाओ, कर फिर से दिखाओ इसको, ऐसे लगेगा अगर। यार क्या करूँ मैं, कंफ्यूज हो रहा हूँ, सिल्वर लगा लो या गोल्डन लगा लो? तो गाइस दोनों साइड बाय साइड ऐसे गोल्डन ऐसा दिखेगा, सिल्वर ऐसा दिखेगा। यार क्या करूँ मैं, नहीं लग रहा होता ना, वही तो दिक्कत है। कंफ्यूज हो सो आई एम नॉट श्योर गाइस कि मैंने डिसीजन सही लिया है कि गलत लिया, बट मैं गोल्डन लगा रहा हूँ। तो जल्दबाजी का डिसीजन नहीं था, बड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग था ये, तो देखते गोल्डन लगा रहा हूँ, बाकी जो होगा आगे देखा जाएगा। वेल इट सीम्स लाइक इट्स नॉट माय डे गाइस, मेरे सारे काम ख़राब हो रहे हैं। पहले ये गोल्डन पेंट वाला हुआ था, और अभी यही नहीं टाइट हो रहा है, पता नहीं क्यों मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है, बट होपिंग फॉर द बेस्ट, बस हो जाए। तो गाइस ऐसे कुछ इसकी फाइनल लुक आ रही है, एंड अकॉर्डिंग टू मी तो सुंदरी लग रही है। बाकी तुमको ही भाई जस्टिफिकेशन तो तुम ही दोगे, पूरी जज भी तुम ही करोगे जब भी तुमको एंगल आएगा उसमें गोप्रो में। बाकी यहाँ से तो कुछ ऐसा है, काफ़ी ह्यूज लग रही है अभी बाइक, तो अभी सीधा आपको मैं हेलमेट लगा के मिलता हूँ गोप्रो में। बाकी थक गया हूँ यार, अभी बड़ी देर हो गई थी मेरे पास। तो गाइस हेलमेट मैंने पहन लिया, GoPro is on। तो ऐसे कुछ इसकी लुक आ रही है अभी, एंड लग रहा है ह्यूज ही लग रहा है यार, वैसे अकॉर्डिंग टू मी तो बढ़िया लग रहा है। बाकी अभी तुम बताना कि तुमको जब भी तुम, मैं व्लॉग करूँगा जब भी GoPro से, तभी कैसा लग रहा है तुमको, बाकी अकॉर्डिंग टू मी बढ़िया। भाई साहब लाइक फील आ रही है, मैं ज़रा GoPro का एंगल नीचे कर देता हूँ ताकि तुमको ये दिखे मेरा हैंडल बार ज़्यादा बढ़िया तरीके से, बिकॉज इट्स लुकिंग ह्यूज गाइज, लाइक मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा होगा दैट वाई गोल्डन, तो उसके पीछे भी एक मिस्ट्री है। स्टे ट्यून्ड, व्लॉग्स में आपको पता लगेगा, इस व्लॉग में तो नहीं लगेगा पता, बट फॉर श्योर नेक्स्ट टू नेक्स्ट व्लॉग्स में पता लग जाएगा। जस्ट लुक एट दिस गाइज, लाइक अमेजिंग मैन, अमेजिंग। अभी थोड़ा, अरे अल्टो वाले भैया, एफ सेट वाले भैया, साइड दे दो भाई, सुपर बाइक वाली फील आ रही है पता तुमको, लाइक बाकी कुछ नहीं, खुद की सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि सुपर बाइक है यार। पता क्या है गाइस, इसको लगाने के बाद ना अलग सी फील आ रही है, मतलब बाइक भाग रही है अकॉर्डिंग टू मी साइकोलॉजिकली, वैसे तो नॉर्मल सी बात है, इससे इंजन के ऊपर थोड़े ना इफेक्ट हुआ जो बाइक भाग रही है, बट स्टिल मज़ा आ रहा है यार। सो जो नेक्स्ट मोड होगा मेरा वो क्लच लीवर्स ही होंगे, बढ़िया वाले मैंने मंगवाए, इनके पास अभी थे नहीं तो आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाते, बट कोई नहीं, वेट कर लेंगे। तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखिए और हम भी अपना ख्याल रखते हैं। स्टे सेफ गाइज एंड राइड केयरफुली, ऑलवेज वे हेलमेट।